हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड को न्यू फाइल बनाना और होम टैब के सारे ऑप्शंस ठीक लिया सीख लिए थे। तो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने उससे अच्छे से पढ़ा भी होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू को। इंसर्ट जो टैब है इसको हम आज यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है कवर पेज का। तो फ्रेंड्स, अपन लोग देखते हैं कि अपन जो बुक्स बनाते हैं, बुक्स वगैरह जो होती हैं, तो उन पर कुछ कवर पेजेस लगे होते हैं। तो और अपन जैसे प्रोजेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो उस पर भी हम अपना कवर पेज लगा सकते हैं। तो यहाँ ये कवर पेज का जो ऑप्शन ये हमारा बहुत काम में आता है इसमें कि इसमें देखिए प्री डिफाइनली कुछ एमएस वर्ड तरफ से कुछ पैर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ऑनलाइन जाकर हम सर्च कर सकते हैं तो यहाँ ये मोर कवर पेज का office.com से ऑनलाइनली हम लोग यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। और जैसे अगर मान लो ये पहले से मेरे पास नॉर्मली इसमें पड़े रहते हैं तो कुछ जो रहते हैं पेजेस, तो अब हम इनको अगर किसी को भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ नॉर्मल जस्ट क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही ये मेरे फाइल में ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसे इजीली कस्टमाइज कर सकता हूँ। मुझे जो भी यहाँ पे टाइप करना हो, डॉक्यूमेंट का जो भी नाम देना हो या जो कुछ भी बनाना हो प्रोजेक्ट फाइल के टाइप से, तो वो मैं इजिली यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर हम ऑनलाइन से भी अगर कोई भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है कि ये जो रिमूव करंट कवर बुक, इससे क्या होता है कि ये जो पेज हमने लगाया है अभी इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कवर पेज रिमूव हो गया। अब है एक ऑप्शन ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज इसके थ्रू हम क्या यहाँ पर ना हम एक और नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंसर्ट टैब में आपको सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे ही मिलेंगे जिनसे हम किसी ना किसी चीज को अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ब्लैंक पेज, तो इसको हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर इजीली हमारे फाइल में हम जहां भी चाहें वहां पर ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है, हम इसे बैक कर देते हैं। इसके बाद है हमारा ये पेज ब्रेक। तो क्या होता है फ्रेंड, हम लोगों ने फाइल बनाई और हमें क्या है कि हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट दो पैराग्राफ है इसके बाद का जो चीज है वो हमारी आए नेक्स्ट पेज में, हमेशा नेक्स्ट पेज में आए। अब क्या होता है कि अगर हम इसको यहाँ पे इंटर इंटर करके गए हैं तो क्या होगा कि अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे इनका फॉन्ट साइज या कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से कुछ भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगेगा। बट इसका एक सॉल्यूशन है कि ये ऊपर ना आए, इसलिए यहाँ पर हम पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कर्सर रखा और हम पेज ब्रेक करेंगे तो ये जो है इसको पेज ब्रेक कर देगा। अब हम अगर यहाँ पे कुछ भी करते रहें इसको, तो यहाँ पे अगर हम इसको मिटा भी देते हैं तो नीचे का जो ऑप्शन है वो हमारा इस पेज पर शो नहीं होगा। तो इसके थ्रू हम हमारे जो लास्ट पेज है हम अपने पेज को सेपरेटली कर सकते हैं। क्या होता है, हम लोग कभी फाइल बनाते हैं तो हम ऊपर की फॉर्मेटिंग अगर करते हैं, टेबल्स बनाई फॉर्मेटिंग की, तो क्या होता है नीचे का जो पेज है वो ऊपर आ जाता है। बट पेज ब्रेक का यूज करने से जो पेज है वहीं से ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जो भी हम लोग ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे तो नीचे का कोई भी चीज चेंजेस नहीं होगी, वो पेज में अलग पेज में ही रहेगा। अभी हम यहाँ पर है टेबल का ऑप्शन। अब हम यहाँ पर करेंगे टेबल इंसर्ट। तो ये है टेबल, ये इस पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बॉक्सेस, इनके थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले किधर गई हमारी टेबल, नीचे। अब यहाँ नीचे बनेगी हमारी टेबल। तो हमने यहाँ पर आए, हमने यहाँ क्लिक किया। अब हम यहाँ पर अगर जैसे जितने बॉक्सेस हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे उतने बॉक्सेस की यहाँ पर टेबल बनती जाएगी। इसमें कस्टम ड्रॉ का भी ऑप्शन होता है कि जिसके थ्रू आप कस्टमली अपनी टेबल जो है डिजाइन कर सकते हो। जैसे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होता है तो इंसर्ट टेबल जैसे ही करोगे पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नंबर ऑफ रोज भी हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ, ये जो ऑप्शन है इसे हम इसलिए इनेबल रखते हैं कि जब हम टेबल में कोई भी कंटेंट टाइप करें तो क्या होता है कि वो कंटेंट लंबा हो तो कंटेंट जो है टेबल की रो कॉलम से
बाहर निकलने लगता है। बट इसके चालू होने से क्या होता है कि जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाता है उस हिसाब से कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो और इसके नीचे होता है ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से ये फिट हो जाता है। और यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो, विंडोज के हिसाब से ये इंटरनली वर्क चलता है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दो टेबल ओपन हो चुकी है। अब इसका अब ये ओपन होते ही यहाँ पर एक नया फॉर्मेट खुल जाता है जैसे डिजाइन और लेआउट का। तो हम यहाँ से टेबल को डिजाइनिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं, जो भी हम चाहें वो डिजाइनिंग भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको हर एक रो को अलग हाईलाइट कर दिया, लेआउट दे सकता हूँ मैं टेबल को जिस भी तरीके का। तो यहाँ से हम टेबल को इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। हम फिर से इनसेट पर आते हैं। अब यहाँ टेबल में देखते हैं एक और ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल में क्या होता है कि हम जिस तरीके से पेन और पेंसिल की मदद से हम टेबल्स ड्रॉ करते हैं, वैसे हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने उठा के ये देखिए ये हमने इसको लाइन करेंगे तो हम इसको यहाँ पर नीचे कर सकते हैं इजीली यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं। अब देखते हैं हम यहाँ पे नीचे हम टेबल ड्रॉ करेंगे। हमने इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, ये देखिए ये बॉक्स बन गया हमारा। अब हम यहाँ पर जिस तरह से भी चाहें हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम जितने कॉलम चाहें जितने बॉक्स चाहें वो इजीली बना सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन आता है, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने मतलब कि हमारा जो एमएस एक्सेल का जो स्प्रेडशीट होती है, जो शीट होती है कि उसके कॉलम जो बने होते हैं विड्थ में ऑटोमेटिकली, उसको भी हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पर टेबल में आकर यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं ये हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर लेके जाएगा और एक्सेल पे से जो स्प्रेडशीट है उसको ये यहाँ पर ओपन कर देगा। तो हम भी इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं परफॉर्मेंस को। तो फिर हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे हम इस पे आएंगे तो ये हमें एक्सेल की टेबल बना के दे देगा और यहाँ पे पूरे के पूरे ऑप्शन जो है वो आपको एक्सेल के शो होने लगेंगे। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारे अगर नॉर्मल पे आ जाते हैं तो ये एक्सेल के जो फॉर्मेट्स हैं वो पूरा का पूरा दिखाने लगेगा। अब हम ये अगर एक्सेल पे कोई भी वर्क करते हैं यहाँ पर तो ये यहाँ पर दिखा देता। तो मतलब हम लोग यहाँ पे एक्सेल की जो शीट है उसका यूज भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और क्विक टेबल्स जो होती है कि हमें किसी भी तरीके की कोबल्स टेबल्स बनानी हो, जैसे हमें कैलेंडर्स वगैरह के हिसाब से अगर कुछ डिजाइनिंग करनी हो तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। क्विक टेबल्स की ये कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं तो इनके हिसाब से हम लोग यहाँ पर टेबल्स डिजाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पिक्चर्स का। इसके थ्रू हम हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर है जो फोटोज हैं उनको हम अपने सिस्टम में इंसर्ट इजिली कर सकते हैं। तो जब पिक्चर पे क्लिक करते हैं दिस डिवाइस और ऑनलाइन का ऑप्शन आता है। तो ऑनलाइन पिक्चर से आप गूगल वगैरह के थ्रू और माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू यहाँ पर आप इजीली कोई भी ऑनलाइन पिक्चर यहाँ ऐड कर सकते हो। और दिस डिवाइस पे जाकर आप अपने सिस्टम से, जैसे ये दिस डिवाइस पे क्लिक करते ही ये मुझे मेरे फोटोज पे ले आता, यहाँ से हम सिलेक्ट करके और इसे इंसर्ट करते हैं तो ये इजीली यहाँ से फोटोज इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद है ऑप्शन शेप का। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम हमारे सिस्टम पे फाइल में अगर कोई शेप लगाना चाहते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग कुछ आर्ट बनाना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू वो शेप लगा सकते हैं। और फिर है आइकॉन का ऑप्शन। ये मैन्युअली वर्क करता है इंटरनेट के थ्रू। इसमें क्या होता है कि हम इंटरनेट पे से कुछ आइकॉन्स रहते हैं उन लोगों को उसको हम डाउनलोड करके इसमें एडजस्ट करके हमारी फाइल में ऐड कर सकते हैं, तो जिसके थ्रू हमारा फाइल जो है वो अट्रैक्टिव दिखने लगती है। फिर है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स भी हम इसमें डाल सकते हैं अगर हमारे सिस्टम में कोई 3D मॉडल्स हो तो। अभी मेरे पास कोई 3D मॉडल्स है नहीं, बट अगर 3D मॉडल्स कोई भी हो तो हम दिस डिवाइस में जैसे हमारे सिस्टम में है तो वो डाल सकते हैं। बट अगर नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉक 3D मॉडल्स के इंटरनेट के थ्रू जाकर वहां से भी इसको डाउनलोड करके डाल सकते हैं हमारी फाइल्स में। अब है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। तो जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कभी कभी हम कोई टेबल बनाते हैं, हमें टेबल बनानी है कोई, या फिर कोई लिस्ट बनानी है, या फिर कोई हमें कुछ परफॉर्मेंस दिखानी है। अगर हमें हमें सर्कल दिखाना है, कुछ साइकिल दिखाना है किसी चीज का कि ये साइकिल में वे करती है, तो हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट के थ्रू इजिली उन्हें अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कोई और बॉक्स बना लूँ लिस्ट का, अगर जैसे मुझे कोई लिस्ट बनानी है तो मैं इस लिस्ट के थ्रू यहाँ पर इजिली ये बना सकता हूँ। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर
जनरेट होकर ये उनके फॉर्मेट्स हैं कि ये फॉर्मेट आ गए। इसके बाद हम इनके यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इजीली, जो भी हमें कस्टमाइजेशन चाहिए हो, हमें और कोई बढ़ाना हो या फिर कम करना हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चार्ट का, तो यहाँ से हम जैसे कि इलेक्शंस में चार्ट होते हैं या फिर जो हमारे शेयर मार्केट के जो चार्ट होते हैं उनकी तरह हम यहाँ पे कोई भी चार्ट, पाई चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, हम कोई भी चार्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। एरिया वाइज हुआ, 3D मॉडल्स के चार्ट होते हैं, जैसे सरफेस का है जो 3D का चार्ट है, तो इनको हम इजिली यहाँ पर अपने डिजाइनिंग के लिए या फिर कुछ दिखाने के लिए हम यहाँ पर दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। इस स्क्रीनशॉट का ऑप्शन के यूज हम तब करते हैं जब जैसे हमें हमारी बैक साइड की स्क्रीन जैसे इस का शॉट लेना है, यहाँ पे कोई और स्क्रीन खुली है, यहाँ पे कोई डाटा है या कुछ भी है, हमें उसकी क्लिप चाहिए, हमें उसकी फोटो चाहिए और उसे हमें इंसर्ट करना है इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे गूगल पे से कोई फोटो उठानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे डाउनलोड करूंगा या कुछ भी करूंगा, तो उससे उसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि हम जैसे इस पर आते हैं बैक साइड में हम हमारा गूगल क्रोम या कुछ भी रन कर सकते हैं, वो फोटो ओपन करके रखें। इसके बाद हम स्क्रीनशॉट पर जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पर लगाकर इसको स्क्रीन स्वाइप करूंगा तो ये जितना भी मैंने स्क्रीन पे कनेक्ट किया था उतना के उतना डाटा जो है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अभी आया नहीं है, अपन देखते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये जो डाटा है यहाँ पर एक्सेस होना था, तो ये डाटा जो है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाता है। ये डिजाइन्स दिखा रहा है कुछ, ये देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा टेबल पे कर्सर था इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं स्क्रीनशॉट पे जाते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, तो अब हम कुछ भी क्लिपिंग करेंगे तो वो फोटोज के रूप में, जैसे हमारी कोई इमेज होती है हम उसको ऐड करते हैं तो वो उसके रूप में यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके बाद हमारा ऑप्शंस होता है गेट एड्स, गेट एड इंस का, गेट एड इंस। ये हमारे ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये हमारे इंटरनेट के थ्रू होगी कि गेट एड इंस जो है वो हमारा जैसे हमारा प्ले स्टोर होता है मोबाइल का उसकी तरह वर्क करता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रीडिफाइंड कुछ छोटे छोटे से फॉर्मेशंस डले हुए हैं ऐप टाइप, तो जिनको हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन तीनों चीजों में यूज करके हमारे को जो जो हमारे प्रोफेशनली वर्क के लिए यूज होते हैं तो उनको हम यहाँ से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। ये विकिपीडिया है जिससे हम विकिपीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन वीडियो का जो ऑप्शन है इसके थ्रू हम हमारे सिस्टम में जो हमारी फाइल है उसमें हम ऑनलाइन कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर, कोई भी वीडियो हो उसका हम यहाँ पर यूआरएल डालेंगे। यूआरएल डालने के बाद हम इंसर्ट पे क्लिक, ऑप्शन ऑनेबल हो जाएगा, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं वो जो वीडियो उस का लिंक जो है पूरा का पूरा उठकर हमारे स्क्रीन पे शो होने लगेगा। शो होते ही फिर वो उसके बाद हम उसका यूज यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे हमें अगर कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देनी हो तो हम इसके थ्रू इजीली वर्क कर सकते हैं। ये लिंक का ऑप्शन होता है, इसके थ्रू हम हमारी जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनको कहीं से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे हम अगर आप इस फाइल को यहाँ से लिंक करें तो अगर मैं जाता हूँ, मुझे अपनी किसी फाइल को यहाँ पर लिंक करना है, तो मैंने ये क्रेडिट फी की फाइल ली और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ओके, ये फाइल की रेफरेंस मुझे यहाँ दिख गया। अब मैं इस फाइल पे अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये जो है इस पे ले जाएगा। ये ऑप्शन से आइडेंटिफिकेशन हम एक्सेस करेंगे एक बार, तो ये एक्सेस करेगा। इसको एक्सेस करने के बाद ये हमारी जो फाइल है उसे ओपन कर देगा, क्योंकि ये अभी हमारी फाइल जो है वो पीडीएफ की फाइल है इसलिए ये इसे ओपन नहीं करेगा। अगर वर्ड की कोई भी फाइल होती है तो ये इजीली यहाँ पर देखिए, अभी ये फाइल इसने ओपन कर दी है, खैर तो यहाँ पर ओपन हो रही है जो मेरी फाइल है, क्रेडिट फी की नाम से जो फाइल थी वो यहाँ पर इजीली ओपन हो गई। इसके ओपन होने के बाद है, मतलब हम यहाँ पे इजीली किसी भी फाइल को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ये बुकमार्क का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम हमारी फाइल में बुकमार्क लगा सकते हैं। ये क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन होता है, लिंक हाइपरलिंक स्टार्ट करते ही हम क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। फिर ये होता है कमेंट का ऑप्शन, इससे हम हमारी जो सेक्शन होता है जो फाइल बनी हुई इस पर हम कमेंट का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कमेंट्स का
टाइप कर सकते हैं बेसिकली। वैसे कमेंट्स के इस ऑप्शन का कोई यूज नहीं होता है, बट इसमें ये दिया जाता है, तो कमेंट का ऑप्शन जैसे ऑनलाइन अगर वर्किंग होती है तो उसमें इसका यूज होता है। अगर हम इसको विकिपीडिया से कनेक्ट करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। अब होता हैडर का ऑप्शन। हैडर का ऑप्शन जो होता है इसके थ्रू, अब हम सबसे पहले पेज पे चलते हैं। हैडर का ऑप्शन जो होता है इसके थ्रू हम फाइल में हैडर लगा सकते हैं। हैडर जैसे मैंने ये जो है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रांडेड टाइप का थोड़ा लगाता हूँ। हैडर मैंने लगाया तो ये जो मेरा पेज है, ये मेरे सारे पेजेस पे हैडर आ गए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ, जो भी नाम देना चाहूँ जो कुछ भी, तो ये सारे पेजेस पे एक साथ हैडर आ जाता है। कि क्या होता है, हम लोग कभी कभी कोई फाइल बना रहे हैं तो हमें हर पेज पे कुछ ऊपर टाइटल चाहिए चाहिए, या फिर हमें बुक बना रहे हैं तो बुक में ऊपर नाम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं, हेडर लग जाएगा। इसके बाद हम इसे यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर फुटर का। फुटर का क्या होता है, ये जो है ऐसा ही, ये हेडर की तरह ही एक साइड डिलीट करता, बट ये हेडर जो होता है वो ऊपर लगता है, बट फुटर जो होता है वो डाउन में लगता है पेज के नीचे। जैसे पेज के नीचे क्या होता है, कभी हमें ऑथर का नाम देना होता है, बुक का रेफरेंस देना होता है, अगर हमें यहाँ पे पेज नंबर्स भी देने हो तो वो भी हम इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं फुट नोट में, फुटर में। अब इसमें एक फिर ऑप्शन है पेज नंबर का। इस पेज नंबर के ऑप्शन से हम लोग क्या, हमारे ये जो पेज है इनमें हम लोग पेज में नंबर्स डाल सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन है टॉप टू पेज, पेज के टॉप में डालना है नंबर्स, पेज के बॉटम में, पेज के मार्जिन्स पे डालना है, या फिर करंट पोजीशन पे, कहीं पे जहां पे आप इसमें करंट पोजीशन में जहां पेज पे आपका कर्सर रखा हुआ वहां पर ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इसका यूज से हम कहीं पर भी टेक्स्ट बुक्स बना सकते हैं, जैसे ये कस्टम टेक्स्ट बुक्स, ये जो कुछ प्री डिफाइंड दिखा रहा है पेजेस, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको भी ऐड करना चाहें तो इनको भी ऐड कर सकते हैं, बट हम अगर सबसे ज्यादा ड्रॉबॉक्स का यूज करते हैं, जिससे कि हमें अगर मान लो कहीं पर भी कोई यूज करना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर आकर बन गया है। अब जैसे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स अगर करता हूँ तो मुझे जैसे यहाँ बनाना है तो मैं यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स बना सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। अगला ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट का। तो वर्ड आर्ट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम लोग कोई हेडिंग बना रहे हैं या फिर हमें कुछ कस्टमाइज डिजाइन का कुछ अच्छा सा देना है, डिजाइनिंग करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ नीचे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने मेरा नाम लिखा। अब मैं चाहूँ तो इसे भी वर्ड आर्ट में दे सकता हूँ और नया भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये जो है मेरा जो नाम है ये है, इसके रेफरेंस में आ गए। अब मैं जिस तरीके से चाहूँ उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, शेप की आउटलाइन वगैरह, एडिट शेप वगैरह, जो भी मैं इसमें करना चाहूँ सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वर्ड आर्ट में। इसके बाद है हमारा सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन, जैसे कि हमारे फाइल है, फाइल में हम लोगों को जैसे कोई हमने लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट में हमेशा सिग्नेचर्स लगते हैं, तो सिग्नेचर्स लाइन के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आया मैं, अब लेके मुझे यहाँ पे चाहिए सिग्नेचर लाइन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिग्नेचर की लाइन आ गई। अब मैं यहाँ पे सिग्नेचर का सेटअप करूंगा कि भाई मुझे किसका साइन चाहिए, उसका एग्जाम्पल वो क्या है, मैनेजर है, सीईओ है, एमडी है, जो भी है उसका उसका नाम भी होना चाहिए यहाँ पर, अगर आप उसकी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो वो भी, और इसके बाद आप इसे एंटर कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पर एक, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ XY XY Z, मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद मैंने इसे ABC कर दिया। मैं यहाँ पे इसका कोई भी जीमेल डाला, मैंने इसको एक्सेस मार दिया। अब क्या होगा, ये यहाँ पर ना मुझे एक यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पर हमें नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे ये जो फाइल है ना ये हमारे यहाँ पर ऐड होती है, कैसे कि अगर हम इसको क्या करते हैं, हम जहाँ भी कर्सर रखेंगे अपना उस तरीके उस पे ये ऐड हो जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको हमने डिलीट किया, तो हम इसको अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं कि हमें जहाँ भी इसको एडजस्ट करना हो वहाँ भी हम इसको लाइन को एडजस्ट। अब हमारे पास है डेट और टाइप का ऑप्शन। इसके थ्रू हम अपनी फाइल में डेट और टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए
यहाँ डेट दी हुई है और यहाँ कुछ टाइम्स का ऑप्शन भी है। तो डेट का ऑप्शन है, डेट के थ्रू हम यहाँ पर इजीली डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है कि जो अभी करंट का टाइमिंग चल रहा है, हमें जबकि टाइमिंग डालनी हो कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया वो किस टाइम में और किस डेट पे बना है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। हम ये जो ऑप्शन है जहां हमारा कर्सर रखा होगा वहीं पे हम परफॉर्म करेंगे, तो जहां पे भी हमारा कर्सर रखा होगा वहां पे ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सबसे ऑब्जेक्ट में दो तीन तरीके के ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे हम कोई फाइल भी ऐड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर कोई एमएस वर्ड की फाइल ऐड करनी हो तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एमएस एक्सेल की। जैसे ये ऑप्शन खुल गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम ये कुछ ये फाइल अगर जैसे एग्जीक्यूटेबल पहले से बनी हुई तो हम वो फाइल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल, अगर हमारे पास किसी फाइल का बना हुआ, अगर हम उसे फाइल को ही यहाँ पे उठाना है तो हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी फाइल अगर यहाँ से हमें उठानी है तो हम उस फाइल को उठा के यहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके और ओपन करेंगे, तो वो इजिली हमारे एमएस वर्ड में ओपन हो जाएगी। फिर है इक्वेशंस का ऑप्शन। यहाँ पे हम हमारे सिस्टम में ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, इनको हम इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर हमें मैथमेटिकल्स की कोई इक्वेशन दिखानी है, शो करनी है, तो वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। सिंबल्स होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं इनको हम हमारे लगाने के लिए, ये मोर सिंबल्स का भी ऑप्शन है। कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं जब ये कुछ अलग तरीके के, तो उसमें हमें ये यूज करना पड़ता है। मैथमेटिकल्स डाटा का तरह है ये। जो सिंबल्स होते हैं वो हमें नॉर्मली कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं, बट हम यहाँ जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो यहाँ सिंबल्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर सिंबल्स ऐड कर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का टॉपिक इंसर्ट मेन्यू का। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, और अगर फ्रेंड्स कुछ रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह भी एमएस वर्ड का जो है वर्जन्स, न्यू वर्जन जो है उसकी अपडेट्स ले सके और आसानी से उसे सीख सके। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारा को सपोर्ट भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच।